अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो इंडियन जेट के बारे में है जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया के दो सिंगल इंजन जेट फाइटर्स तेजस और रशियन मेड मिग-21 बाइसन की। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इंडियन एयरफोर्स के एक ऐसे जेट की बात करने वाले हैं जिसको पूरी दुनिया में फ्लाइंग कॉफन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका नाम मिग-21 बाइसन है। हालांकि USSR में यही मिग-21 बाइसन था जिसने अपने दुश्मन एयरफोर्स के दांत खट्टे किए हुए थे, मगर जैसे ही ये USSR का जेट फाइटर इंडिया के हाथ लगा तो इंडिया ने इस अजीम जेट को दुनिया के सामने फ्लाइंग कॉफन के नाम से मुतारिफ करवाया। और दूसरा जेट जो इंडिया के मास्टरपीस है उसका नाम है हाल तेजस। ये जेट आज से तकरीबन 35 से 38 साल पहले बनना स्टार्ट हुआ और आज तक ये जेट सिर्फ बन ही रहा है। आज हम इन्हीं दोनों जेट्स के बारे में बात करेंगे इंडिया की रिपोर्ट्स को सामने रख के। मिग-21 बाइसन एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग स्पीड अब सबसे तेज है और ये अपने आप में एक चैलेंज है। मिग के कॉकपिट में मैं जब बैठता हूँ और उठता हूँ, यकीन मानिए मैं भगवान से कम नहीं। इसकी एडवांस एयर टू एयर वेपनरी और हेलमेट माउंटेड साइट के साथ मैं किसी भी दुश्मन जहाज को क्लोज कॉम्बैट में मार गिरा सकता हूँ। मैं इस फाइटर को जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और मुझे इस फाइटर पर पूरा भरोसा है। कोई कुछ भी कहे, ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का एक बेहतरीन फाइटर जेट है। इस फाइटर के आधुनिक उपकरणों में इतनी ताकत है कि मैं बेझिझक दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने निशाने को और अपने लक्ष्य को भेदकर वापस आ सकता हूँ। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको पाकिस्तान डिफेंस के बारे में हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही होंगे कि इंडियन एयरफोर्स में मिग-21 तादाद में आज भी सबसे ज़्यादा है और इनका गिर के तबाह होने का रेट भी आज भी सबसे ज़्यादा है। और जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इन फाइटर जेट्स को फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाता है। दूसरी तरफ इंडिया का तेजस है जिस पर इंडिया प्राउड फील करती है, मगर तेजस को ऑलरेडी इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने रिजेक्ट कर दिया है। और बदनाम होने के बावजूद इंडियन एयरफोर्स मिग पर आज भी भरोसा करती है, जबकि पूरी दुनिया की एयरफोर्सेज ने मिग-21 को रिटायर कर दिया है, मगर आज भी इंडियन एयरफोर्स मिग-21 को यूज़ कर रही है। और अगर हम बात करें तेजस की, जबकि ये 35 से 38 साल पुराना जेट होने के बाद भी नया है, मगर इंडियन नेवी और एयरफोर्स ने ये कहकर रिजेक्ट किया है कि ये जेट इंडिया की फ़ज़ा की हिफाजत नहीं कर सकता। जबकि आपने देखा होगा यूट्यूब या अदर डिफेंस वेबसाइट पर तो इसी मिग-21 को पाकिस्तान के जेट से कंपेयर किया जाता है, और जब भी कोई नया एयर चीफ मार्शल आता है तो वो सबसे पहले मिग-21 को ही उड़ाता है। ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, 27 फरवरी का दिन तो सबको ही याद होगा जब फेस टू फेस डॉग फाइट में पाकिस्तान के जेट्स के मुकाबले में यही मिग-21 आया था, क्योंकि तेजस किसी काबिल नहीं था और इसने मिग-21 ने मुंह की खाई थी। हालांकि तेजस को मिग-21 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था, मगर आसार कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि तेजस को खुद रिप्लेस होने की ज़रूरत है। इंडियन मिग-21 की कॉम्बैट रेंज 500 किलोमीटर है, जबकि इंडियन मास्टरपीस तेजस की कॉम्बैट रेंज 300 किलोमीटर है। और इंडियन माहरीन कह चुके हैं कि अगर तेजस को मिग-21 से रिप्लेस करना है तो तेजस को दौरे हाजिर की टेक्नोलॉजी से लेस करना होगा। और मिग-21 हादसात का शिकार होने के बावजूद आज भी बड़ी तादाद में इंडियन एयरफोर्स में मौजूद हैं और भरोसामंद जेट फाइटर्स हैं। और तेजस अभी दर्जन भर ही बने हैं, उनकी कारकर्दगी को देख के ये फैसला किया है कि उनको और ना बनाया जाए, जबकि तेजस सिर्फ एक ही जगह मिग-21 को मात दे रहा है और वो है यूट्यूब और इंडियन न्यूज़ चैनल। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो जो इंडियन रिपोर्ट को सामने रख के बनाई गई है। आप सबकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे साथ मिलकर सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें और हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दें। अल्लाह हाफिज़।